हाय, मैं हूं भावन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इट हैज बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स कि मैंने अपनी सीरियस इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन 10 सालों का जो मैंने कुछ लेसन सीखे हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिले तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं शेयर करूंगा 10 इन्वेस्टमेंट लेसन जो मैंने पिछले 10 ईयर्स में सीखे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी से। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन, दैट इज डू नॉट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन योर इमोशन। ज्यादातर लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, एंड ऑफ कोर्स एक जमाने में जब मैंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी तो मैं भी कुछ ऐसा ही था। मैं इमोशंस को लेकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बदल देता था। अगर मार्केट ऊपर गया खास करके, तो मुझे लगता था कि और ऊपर जाएगा, और मैं इमोशनली बहुत ज्यादा भावुक होकर जो है मैं और पैसे इन्वेस्ट कर देता था। या मार्केट नीचे जाने पर बिना ये समझे कि मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, कि ये टेम्परेरी फॉल है, परमानेंट फॉल है, खास करके स्टॉक्स में क्या कंपनी के फंडामेंटल्स तो नहीं हिले। कई बार ऐसा होता था कि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते थे, फिर भी मैं जस्ट बिकॉज मार्केट या उस स्टॉक का दाम नीचे जा रहा है तो मैं अपने स्टॉक्स को बेच देता था। तो इमोशंस, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इमोशंस को साइड पे रखिए और डेटा को देखिए। डेटा कैन गिव यू द रियल पिक्चर। तो इमोशंस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। दैट इज द फर्स्ट लेसन दैट आई हैव लर्न। सेकंड लेसन इज ऑलवेज अंडरस्टैंड योर टाइम होराइजन। अगर आपको पैसे अगले 1 साल में लगने वाले हैं, 2 सालों में लगने वाले हैं, तो आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना ही नहीं चाहिए। जो पैसे आपको लॉन्ग टर्म तक नहीं लगने वाले हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, आपके गोल्स अगर लॉन्ग टर्म है तो ही आपको उन पैसों को इक्विटी जैसे कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं अपने पैसों को एज अ सोल्जर ट्रीट करता हूँ कि मेरे पैसे बैटल फील्ड में यानी कि इन्वेस्ट होंगे और पैसे लेकर आएंगे, यानी वो सोल्जर जाएंगे और सोल्जर्स को पकड़ कर लेके आएंगे। तो ऑलवेज ट्रीट योर मनी लाइक अ सोल्जर। सो व्हेन यू इन्वेस्ट योर मनी इन द फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक उन पैसों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो यू आर एक्चुअली किलिंग योर मनी। दूसरा, Try to avoid buying liabilities. So again, when you buy liabilities, you are killing your money. Unnecessary liabilities purchase मत कीजिए। Let us look at the third lesson. लेकिन उससे पहले, अगर आप personally ये चाहते हैं कि आप अपने personal financial goals कैसे achieve कर सकते हैं, जैसे retirement के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, income रुक जाएगी, आपके बच्चों की higher education, बच्चों की marriage, नया घर खरीदना है, तो घर की planning कैसे करनी है, down payment कैसे इकट्ठा करना है, कितने का loan लेना है, क्या घर लेना आपके लिए सही फैसला होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा decision है। आप लोन अफोर्ड कर पाओगे नहीं, तो आपको कितने का लोन लेना चाहिए, आपको कार खरीदनी है, वेकेशंस पर जाना है, जो भी आपके ये गोल्स है, अगर आप ये चीजें समझना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो नाउ लेट अस लुक एट द लेसन नंबर 3, व्हिच इज अंडरस्टैंड योर रिस्क टॉलरेंस। दोस्तों, आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला टाइम, सेकंड एज, थर्ड इनकम, एंड द फोर्थ इज योर लोन्स एंड योर लायबिलिटीज, और यू कैन से योर रिस्पांसिबिलिटीज। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइम कितना है आपके हाथ में, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ये डिफाइन करेगा कि आपका रिस्क कितना होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी एज। अगर आप अपने 50s में हो, आप अपने 55 के हो, और आपको अगर 60s में अगर आपको रिटायरमेंट लेनी है, यू कैन नॉट टेक मच रिस्क बिकॉज यू आर नियरिंग योर रिटायरमेंट। आपके लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। ऑफ कोर्स इक्विटी में करना चाहिए, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन यही अगर उल्टा है, आप अगर यंग हो तो आपको ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, आपकी जिम्मेदारियां कम है। तो ये हो गया सेकंड फैक्टर। फर्स्ट इज टाइम, सेकंड इज एज, थर्ड इज इनकम। अब इनकम से मेरा मतलब है कि आपकी इनकम कितनी स्टेबल है। अगर आप एक बिजनेसमैन है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी इनकम स्टेबल नहीं है। मैं सारे के सारे पैसे किसी ऐसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं इन्वेस्ट कर सकता जहां पे मेरे पैसे लॉक हो जाएंगे। तो दिस इज द थर्ड फैक्टर कि आपकी इनकम स्टेबल है या नहीं है, रेगुलर है नहीं है। एंड द फोर्थ फैक्टर इज लोन लायबिलिटीज। अगर आप पर कोई महंगा कर्जा है तो अगेन दैट डिफाइंस योर रिस्क टॉलरेंस। आई वुड सजेस्ट कि अपने रिस्क टॉलरेंस को समझिए। दिस इज द थर्ड लेसन। लेट अस कम एट द फोर्थ लेसन, दैट इज डू नॉट फॉलो द हर्ड। इससे मेरा क्या मतलब है कि मेरे पड़ोसी ने फलाना क्रिप्टो करेंसी खरीद ली तो मैंने भी जो है उनको देखकर इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर दिया। भाई, आप उनको क्यों फॉलो कर रहे हो? उनका रिस्क एपेटाइट, उनकी थिंकिंग, उनका नॉलेज अलग है। उनको शायद पता होगा कि उस क्रिप्टो करेंसी को कब बेचना है, क्या आपको पता है? या मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि इस स्टॉक में पैसे डाल दो। आपके स्टॉक का टाइम होराइजन अलग है, उसका रिस्क एपेटाइट अलग है, शायद उसने रिसर्च किया है, नहीं किया है, क्या पता उसने किसी और का सुन के आपको बता दिया हो। तो ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च, हर्ड को फॉलो मत कीजिए।
अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपनी रिसर्च को नजर में रखते हुए इन्वेस्ट कीजिए। और दोस्तों ये एक बहुत ही जरूरी लेसन है जो मैं पिछले 10 सालों में सीखा हूं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी से। दिस इज द फिफ्थ लेसन। अक्सर लोग मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं कि पिछले 3 महीनों में फलाने म्यूचुअल फंड ने या फलाने स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है, क्या मुझे इसको बेच देना चाहिए? विच मीन्स दे आर ओनली चेसिंग द परफॉर्मेंस। 3 महीने में अगर आप एक्सपेक्ट करोगे आपके पैसे डबल हो जाएंगे तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बना ही नहीं है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म। इक्विटी ही क्यों, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टमेंट मत कहिए, उसको सेविंग कहिए। आप अपने पैसे लिक्विड फंड में डाल दीजिए, FD में डाल दीजिए। तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि परफॉर्मेंस को बार बार रिटर्न्स को चेज मत कीजिए। आपके मन में ये होना चाहिए कि मेरे गोल्स मैं अचीव कर पाऊंगा या नहीं, मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनके लिए क्या मैं सही एसेट एलोकेशन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो डोंट जस्ट चेज द परफॉर्मेंस, बाकी फैक्टर्स को भी देखिए। लेट अस लुक एट द सिक्स्थ लेसन। डोंट बी इंपेशेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि 3 महीने में अगर आप एक्सपेक्ट करोगे आपके पैसे डबल हो जाएंगे या 6 महीने में, दैट इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। एक जमाने में मैं भी ऐसा ही होता था। मेरे पोर्टफोलियो को मैं रोज लॉग इन करके चेक करता था कि यार आज इतना नीचे गया, आज उतना ऊपर गया, और मैं एंशियस होता था। तो इम्पेशेंट नहीं बनना है। द की टू क्रिएट वेल्थ इज बीइंग पेशेंट। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, राइट? समय लगता है। और सबसे जरूरी चीज, अगर आप चाहते हो कि आपके पैसे कंपाउंड हो तो टाइम दीजिए, इम्पेशेंट मत रहिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो पेशेंस रखिए। लेसन नंबर 7, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि आपने 3 लार्ज कैप फंड्स खरीद लिए, ठीक है? अब ज्यादा करके इन तीनों फंड्स का जो पोर्टफोलियो है वो ओवरलैप होगा। सारे ही फंड्स में ऑलमोस्ट सेम ही स्टॉक्स होने वाले हैं, तो क्या आप इसको डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हो? नहीं। मैंने ऐसा देखा है कि लोग 10 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन सेम कैटेगरी, तो इसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं कह सकते हो आप। एक फंड या 2 फंड इनफ है। अगर आपने सेम सेक्टर के, आपने अगर ऑटो सेक्टर के या IT सेक्टर के अगर 5 स्टॉक्स खरीद लिए हैं, तो ओवरऑल IT सेक्टर जब नीचे जाएगा तो आपके 5 स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे, तो इसे आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कह सकते हो। लेसन नंबर 8, डू नॉट इन्वेस्ट योर मनी दैट यू नीड इमीडिएटली। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। मैंने अपने इमरजेंसी फंड को मैंने इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई और मुझे जो है उन पैसों को मैं उस समय पर निकाल नहीं पाया क्योंकि मार्केट नीचे था और मुझे लोन लेना पड़ा। तो जो पैसे आपको इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, जैसे कि खास करके इमरजेंसी फंड, मैंने कई लोगों को देखा है वो अपना इमरजेंसी फंड भी इन्वेस्ट कर देते हैं ये सोच के कि ये सही समय है मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का, तो ये गलती मत कीजिए। वो इमरजेंसी इसके लिए होता है। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट लेसन, दैट इज लेसन नंबर 9, डू नॉट स्ट्रेस अबाउट व्हाट यू कांट कंट्रोल। ऑयल का प्राइस कहां जाएगा, अरे हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में थोड़ी है, राइट? कल स्टॉक फलाना स्टॉक कहां खुलेगा, कल मार्केट कहां खुलेगा, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में है एक फाइनेंशियल प्लान को फॉलो करना। हमें यह समझना है कि हमें हमारे फ्यूचर गोल्स के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें आज क्या करना होगा और हमारे कंट्रोल में क्या है। हर महीने डिसिप्लिन्ड होकर इन्वेस्ट करना हमारे कंट्रोल में है। तो डोंट स्ट्रेस ऑन थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, रादर फोकस ऑन थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, राइट? आपकी इनकम आ रही है, हर महीने इन्वेस्ट कीजिए, डिसिप्लिन रहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैं सीखा हूं पिछले इन सालों में कि फोकस ऑन व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। नेक्स्ट लेसन, विच इज द लास्ट लेसन, 10th लेसन, डू नॉट डिले इन्वेस्टिंग। एवरी डे इज कॉस्टिंग यू, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कंपाउंडिंग नीड्स टाइम। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग टूडे। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज यस्टरडे एंड द नेक्स्ट बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज टूडे। आज क्या शुरू कीजिए, अभी का भी शुरू कीजिए, डिले मत कीजिए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। अगेन अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर theartofwealthbuilding सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको हमारे वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा। हम हर संडे और वेनेसडे एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम आपका पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए। हो सके तो लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा और भी ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।